हेलो नमस्ते, आरोही गिरयानी पे आपका स्वागत है। मैं आज उपास की कचौरी बना रही हूँ। इसको मैंने आलू बॉईल करके मैश करके रख लिया। ये 3 आलू है, आधा कटोरी साबूदाना मैंने पाउडर करके रख लिया है, ये अनारदाना है, ये कड़ी पत्ता, ये जीरा पाउडर, नमक, हरी मिर्च, किशमिश, काजू, शक्कर, सफ़ेद तेल है, ये खसखस, ये काली मिरी पाउडर। अभी मैं हम इसका टेस्ट बना लेते हैं। ये सूखा खोबरा मैंने 2 बड़े टेबलस्पून डाल लिए हैं। ये मैंने आपको पहले नहीं दिखाया, अभी बता रही हूँ। 2 बड़े काली मिर्च, खसखस डाल रही हूँ, किशमिश डाला, काजू, सफ़ेद तिल, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि हमारे घर में थोड़ा तीखा ज़्यादा खाते हैं, स्वाद नमक, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर है ये, शक्कर 2 स्पून शक्कर, बड़ा टेबल स्पून शक्कर डाला है मैंने। अभी मैंने सब मिक्स करके रख लिया है। अभी इसका आलू का ये मैंने 3 आलू छील के रख लिया है, मैश करके रख लिया है। अभी इसमें थोड़ा जीरा पाउडर डाल रही हूँ, इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ थोड़ा। हम लोग कोथमीर नहीं खाते उपवास में, इसके लिए मैंने कड़ी पत्ता डाला। अगर आपको कोथमीर डाल दो आप कोथमीर डाल सकते हो। थोड़ी काली मिर्च, स्वाद नमक, नमक देख के डालिए क्योंकि अंदर भी टेस्ट में भी नमक डाला, इसमें देख के डालिए। अभी ये साबूदाना जो मैंने पाउडर करके रखा है वो अब डाल, आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए। अब इसके हम कचौरी बना लेते हैं। देखो ऐसे इसको, क्योंकि इसमें साबूदाना का आटा है तो ये टूट रहा है, धीरे धीरे कीजिए। अब इसमें हम स्टफिंग भर रहे हैं, देखो ये हल्के हाथों से कीजिए इसको। अगर आपको बड़ा चाहिए तो बड़ा कर सकते हैं, अगर छोटा कर सकते छोटा भी कर सकते हैं। थोड़ा हाथ में तेल लगा लीजिए, नहीं है ना, कचौरी ऐसे छोटे छोटे भी हम सब बना लीजिए। धीमी आँच पे हल्के हल्के से डालिए, ज़्यादा गैस फास्ट भी नहीं देना चाहिए, ज़्यादा तो से इसको पलटी कीजिए। हाँ अभी ये रेडी हो गया, इतना प्यारा कलर आया है देखो। अभी इसको हम निकाल देते हैं। कैसा लगा आपको मेरा साबूदाना कचौरी, उपास का कचौरी कैसा लगा देखो। अगर आपको पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।